अपने उत्तराखंड राज्य में कुल 13 जिले हैं, जिनमें से 6 जिले ऐसे हैं जिनका कुछ भूभाग वृहद हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय रेंज में आते हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो अपने उत्तराखंड के 13 जिलों में से 6 जिलों में हिमालय पर्वत मौजूद हैं। इन्हीं हिमालय की चोटियों से लगे ऐसे अनगिनत बुग्याल और पहाड़ भी यहाँ मौजूद हैं, जो वर्तमान में दुनिया भर के लोगों के लिए एक टूरिस्ट प्लेस है। चाहे गढ़वाल हो या कुमाऊं, उत्तराखंड के दोनों क्षेत्रों में बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक्स हैं, पर कुमाऊं की तुलना में गढ़वाल के ट्रैक्स को ज़्यादा लोग कवर करते हैं। कुमाऊं के ज़्यादातर ट्रैक्स में भीड़ कम रहती है, जिस कारण यहाँ कुछ ऐसे अनदेखे ट्रैक्स मौजूद हैं जो आज की वीडियो का विषय है। अपनी बुग्यालों और चरवाहों वाली इस सीरीज़ के आखिरी अध्याय में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, और उम्मीद है इस सीरीज़ की पिछली दो वीडियोज़ आपको पसंद आई होंगी। पिछले दो दिनों से मैं अपने पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र के इन बुग्यालों की सैर में हूँ, और आज अपनी इस यात्रा का आखिरी दिन है। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए एक बोनस वीडियो की तरह रहने वाली है, जिसमें डिटेल्स की कोई कमी नहीं पड़ने वाली। आज की इस वीडियो में इस बुग्याल के साथ साथ आसपास के कुछ अन्य स्थानों की भी बात की जाएगी, और आने वाले दिनों में अपने कुछ ट्रैकिंग प्लान्स हैं जिनकी जानकारी भी आज ही दी जाएगी। अपनी आज की सुबह 3300 मीटर ऊंचाई के डंगेर बुग्याल में हुई, और कल रात भर की तेज बारिश के बाद आज सुबह सुबह हिमालय का ये नज़ारा दिखाई दिया। कभी कभी कुछ चीज़ों की उम्मीद नहीं होती, और उम्मीद से बेहतरीन चीज़ें दिखाई देती है। जैसे रात भर बारिश के बाद ये हिमालय दिखाई देंगे, ये उम्मीद नहीं थी, पर बहुत शानदार हिमालय का नज़ारा दिखे। देखिए यहाँ पे कागुड़ी धार दिखाई दे रही, कागुड़ी भेलपास, यानी लोकल में इसको कालागुदी बोलते हैं लोग। उसके बाद ये वाली बताऊं तो नामिक ग्लेशियर रेंज है, यहीं से निकलती है रामगंगा नदी। इसके पीछे जो दिखाई दे रही है नंदाकोट की पहाड़ी है, उसके बगल में सुनंदा देवी यानी नंदा देवी ईस्ट, ये बीच वाली नंदा देवी, नंदा घाट, पवाली द्वार, और इस साइड पर ये है मैक टोली, और उधर कहीं त्रिशूल। अब जैसे ये टाइम है, अगस्त बस जाने ही वाला है, सितंबर आने वाला है, शुरुआत हो ही गई मान लो सितंबर आने की, तो अब धीरे धीरे मौसम साफ होता रहेगा, और जो हिमालयाज ये 3 महीनों से दिख नहीं पा रहे थे, अब सितंबर अक्टूबर और पूरी ठंडी ओवर बढ़िया हिमालयाज दिखाई देते हैं। लगभग फरवरी के महीने तक तो बहुत अच्छे हिमालयाज दिखाई देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बादल वादल आने शुरू होते हैं। तो कल रात भर बारिश लगी थी, और सुबह शायद 5 बजे तक बारिश ही थी, सुबह तक बारिश लगी थी, और अभी हरीशदा ने उठाया मेरे को, बाहर निकल के देखा तो बहुत बढ़िया नज़ारा दिखाई दिया हिमालय का, और पीछे भी बादल वादल हटने लगे हैं, तो हो सकता है आज थोड़ा धूप आए इस बुग्याल में। अगर यहाँ से दिखाई देने वाली हिमालय की कुछ ऊंची-ऊंची चोटियों की बात की जाए, तो इस फ्रेम में आपको जो पीक्स दिखाई दे रही हैं वो हैं दंगथल की चोटी यानी नामिक ग्लेशियर रेंज, नंदाकोट, सुनंदा देवी और नंदा देवी। इनके अलावा नंदा घाट, पवाली द्वार, मैकटोली और त्रिशूल जैसे कुछ ऊंचे ऊंचे शिखर यहाँ से साफ साफ दिखाई देते हैं। डंगेर बुग्याल धार की पश्चिमी ढलान में स्थित है, जिस कारण पंचाचूली और राजरंभा की चोटियां बुग्याल से तो नहीं दिखाई देती, मगर बुग्याल के थोड़ा सा ऊपर जाने पर पंचाचूली की 5 चोटियों का नजारा बहुत अद्भुत होते हैं। इस वाले में कुछ गाय और बैल हैं, जिनको बाहर निकाला जा रहा है। सुबह के 6:30 बजे हरीशदा ने चाय पीने के बाद सभी जानवरों को छाने से बाहर निकाल दिया। हरीशदा के पास लगभग 14 गाय और 40 बकरियां थी, पर ज्यादातर जानवर हरीशदा के नहीं थे। गांव के वो लोग जिन्होंने गाय बैल या बकरियां तो पाली हुई हैं, पर उनके पास इतना समय नहीं है कि वो बुग्यालों में अपने जानवरों के साथ जा पाएं, तो वो लोग अपने जानवरों को उन चरवाहों को सौंप देते हैं जो इन बुग्यालों में 5-6 महीनों के लिए उनके जानवरों की अच्छे से देखभाल करते हैं, और बदले में उन चरवाहों को पैसे या कुछ अन्य चीज़ें दे दी जाती हैं। इसी तरह हरीशदा यहाँ जिन जानवरों के साथ आए हुए थे, उनमें से कुछ जानवर हरीशदा के नहीं थे। तो आज की तारीख है 30 अगस्त और टाइम हो रहा है सुबह के 6:40। जितने जानवर आप लोग देख रहे हो
सब अपनी छानियों से बाहर आ चुके हैं, तो पहला काम दिन का यही होता है, चाय पीते हैं सबसे पहले उठने के बाद, और इनको सबसे पहले बाहर किया जाता है। देखिए वहाँ पे बकरियों का झुंड है, यहाँ पे है, उधर पे है, देखिए नीचे पे, और वहाँ पे भी है, वो देखिए। तो इस पूरे बुग्याल में बहुत सारे जानवर हैं, कुछ गाय बकरियाँ हैं, कुछ बैल हैं, यही सारे हैं। आजा 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 पट्टी, हाँ आजा 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 पट्टी आजा आजा हाँ। ये देखो छोटा सा बच्चा बकरी का बुलाने पे आ गया है। तो हरीशदा निकल चुके हैं यहाँ से अपने जानवरों और बकरियों को लेके थोड़ी सी हाइट में। मैंने यहाँ पे कैमरा लगाया हुआ है टाइम लैप्स पे, जिस कारण से मैं नहीं गया, और जैसे ही ये कैमरा होता है, मतलब जैसे ही टाइम लैप्स ख़त्म होता है, 15 मिनट की इंटरवल शूटिंग लगाई है, तो जैसे ही ये होता है फिर मैं भी निकलता हूँ ऊपर को। हो सकता है उस साइड से अगर मौसम खुला रहे तो उस साइड पंचाचूली दिखाई देगी इस टॉप पे से। तो चलते हुआ दिखाते हैं आपको उस साइड कैसा नज़ारा है। कल शाम को मैं गया तो था, लेकिन कल शाम पूरा कोहरा लगा हुआ था जिस कारण से कुछ दिखाई नहीं दिया, पर अभी दिखाई देगा शायद। और जितने भी आप इस बुग्याल में घर बने हुए देख रहे हो, इन घरों में अंदर पानी बिल्कुल नहीं आता। उसका कारण है कि जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पे एक नाली बनाई होती है, ऐसे करके नाली बनाई होती है, गहरी नाली, जिस पे जितना भी पानी ऊपर से आए तो जमा होके इस साइड निकल जाता है, इस साइड निकल जाता है और अंदर नहीं आता। मतलब ये मान लीजिए कि पीछे से, मतलब ऐसे ऐसे खोद के पूरी नाली बनाई होती है, और इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया होता है जहाँ पे ये छप्पर रहते हैं। वरना अगर प्लेन ज़मीन में जैसे वहाँ पे है, वहाँ पे अगर सीधे ही ऐसे कोई बना दे तो अंदर पानी घुस जाएगा, जिस कारण से नाली बनानी बहुत ज़रूरी होती है। डनगैर बुग्याल पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 3,300 मीटर की ऊंचाई में स्थित है, जो नंदा कुंड जाने वाले मुख्य मार्ग में आते हैं। ये बुग्याल रोड से लगभग 10 किलोमीटर की पैदल दूरी में स्थित है, जहां मई से लेकर सितंबर तक सैनराधी गांव के चरवाहे जानवरों के साथ रुकते हैं। अगर मैप के थ्रू एक बार डंगेर धार की जियोग्राफिकल लोकेशन आपको दिखाऊं, तो ये पहाड़ लगभग 3400 मीटर ऊंचाई का है, जिसके पश्चिम में रामगंगा नदी और पूर्व की ओर दौलीगाड़ का प्रवाह मौजूद है। डंगेर धार के पश्चिम में रामगंगा नदी के पार बागेश्वर जिले के लोधुरा बुग्याल, कुर्मुया बुग्याल और डांगू बुग्याल जैसे कुछ ऊंचे ऊंचे बुग्याल स्थित हैं, वहीं दूसरी ओर पूर्व में दौलीगाड़ के पार खलियाटॉप का पहाड़ स्थित है। दौलीगाड़ नामिक ग्लेशियर और नंदाकुंड ट्रैक में पड़ने वाले सुदुमखान और उसके आसपास के पहाड़ों से निकलती है, जो आगे चलकर तेजम में रामगंगा नदी में मिल जाती है। अगर डंगेर धार के आसपास स्थित गांवों की बात करूं, तो दाफा, बला, बिरथी, सैनराथी और होकरा जैसे कुछ गांव डंगेर धार के सबसे पास स्थित है। इसके सिंगों में खुजली लगी होगी ना, सिंगों में, ये इसके सिंगों में खुजली लगी होगी, तो इसको अपने आप पाट बोलते हैं। पाट जो बच्चा होता है छोटा बकरी का, कुमाऊनी में उसको पाट बोला जाता है। तो ऊपर का ट्रैक शुरू कर दिए, ट्रैक नहीं मतलब यहीं पे ऊपर पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर जहाँ पे हरीशदा अपने जानवरों को लेके गए हैं, और धीरे धीरे अब जितनी हम ऊंचाई चढ़ेंगे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, तो सांस फूलना ये सारी दिक्कतें ज़्यादा होती है, क्योंकि देखिए सांस फूल रही है। और एक तो बोलते हुए और चलते हुए वीडियोस बनाना बहुत कठिन लगता है यार। चल लो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चला जाता है, लेकिन चलते हुए अगर बोलने की कोशिश करो तो सांस ज़्यादा फूलती है। देखो यहाँ है हरीशदा, ऊपर जो टॉप दिखाई दे रहा है, यहीं पे बीच का जो ये गैप सा दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे जाना है मेरे को भी। यहाँ आया ऊपर, हरीशदा तो आगे निकल चुके हैं, और यहाँ आने के बाद क्या दिखाई दे रहा है देखिए, पंचाचूली। जब तक ये पहाड़ नहीं दिखाई देता तो ऐसा समझो कि मनसा ही नहीं लगता यार। इसको देख लिया तो सुकून मिल गया है। तो जैसे ही नीचे से
इस जगह पे आए, यहाँ से पंचाचुली का बहुत बेहतरीन नज़ारा दिखाई दे रहा है। कुमाऊँ में आप कहीं भी जाओ और भी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जो आपको बेहतर दिखाई देंगी, लेकिन पंचाचुली की छवि कुछ अलग सी लगती है। एकदम तिकोनी पहाड़ी, इतनी तीखी जैसे किसी ने त्रिभुज खड़ा किया हुआ है, बर्फ़ का बड़ा सा। पूर्णतया कुमाऊँ में आने वाली पंचाचुली टू कुमाऊँ की सबसे ऊंची चोटी है। कुछ लोग सुनंदा देवी बोलते हैं, लेकिन सुनंदा देवी का आधा हिस्सा चमोली गढ़वाल में आता है और आधा पिथौरागढ़ में आता है, जिस कारण से वो पूरी तरह पिथौरागढ़ में नहीं आती। लेकिन पंचाचुली एक ऐसी पहाड़ी है जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से और कुमाऊँ की सबसे ऊँची चोटी है, 6,904 मीटर। तो नीचे पे बुग्याल है, डंगेर बुग्याल, और इस बुग्याल का सबसे ऊंचा टॉप डंगेर टॉप यानी डंगेर धार ऊपर है। यहाँ मैं एक बार पहले भी जा चुका हूँ, यहाँ कहीं नीचे से चढ़ा था, सीधे नीचे से बिना रास्ते के ऊपर चढ़े थे हम लोग, और इस बार रास्ते से सेनराथी होते हुए यहाँ आया। और यही रास्ता डंगेर बुग्याल से आगे जाते हुए, ये देखिए यहाँ से आगे जाते हैं जो थाला बुग्याल होते हुए रंथन टॉप होते हुए नंदा कुंड के लिए जाते हैं। और नंदा कुंड से कालागुदी नाम की एक ऊंची पहाड़ी, मैंने फ़ोटो दिखाई होगी आपको, कागुड़ी धार भी बोलते हैं जिसको, उसको पार करके यही रास्ता बुगड़ियार जाता है, यानी जोहार वैली तक जाता है रास्ता। डंगेर धार एक रिज लाइन के द्वारा सीधा हिमालय से जुड़ा हुआ है, जो दक्षिण में तेजम के पास दौलीगाड़ और रामगंगा के संगम से शुरू होती है और उत्तर की ओर बालछंदुरा और सेनराथी गांव के पश्चिम से होते हुए चुथरी बुग्याल पहुंचती है। चुथरी बुग्याल के बाद ये रिज लाइन उत्तर की ओर डंगेर धार होते हुए थाला बुग्याल पहुंचती है। थाला बुग्याल नामिक गांव के पूर्व में लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई में स्थित है, जो नामिक ग्लेशियर और नंदा कुंड ट्रैक का मुख्य पड़ाव है। थाला बुग्याल से ये रिजलाइन उत्तर की ओर चुफू टॉप, रंथन टॉप, सुदुम खान और नंदा कुंड के पूर्व से कागुदी पास होते हुए सीधा 6000 मीटर ऊंचाई की दंगथल की चोटी तक जाती है, जिसको मुख्य रूप से नामिक ग्लेशियर या हीरामणि ग्लेशियर भी बोला जाते हैं। अगर डंगेर धार के आसपास स्थित कुछ अन्य पहाड़ों की बात करूं तो चुथरी बुग्याल, बालछंदुरा, खलिया टॉप, कुरमुइया टॉप और डांगू टॉप जैसे कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ डंगेर धार के सबसे करीब स्थित है। दादा बता रहे थे कि यहाँ के कुछ लोग, सेनराथी के कुछ भेड़ बकरी वाले, मरतोली तक भी गए हुए। अब बताओ भाई, यहाँ से सेनराथी से मरतोली पहुंचना कितना बड़ा टास्क है, वो भी अपने जानवरों के साथ। ये पूरा रूट लगभग एक हफ्ते का रहता होगा, एक हफ्ता या 5-7 दिन जितना भी लगता है। लेकिन आप सोचो, डंगेर धार पहुँचे, उसके बाद थाला, थाला के बाद रंथन टॉप, रंथन टॉप से सुदुम खान राली टॉप होते हुए नंदा कुंड, नंदा कुंड से थोड़ा आगे जाके कालागुदी यानी कागुड़ी भेलपास को पार करके बुगुडियार पहुँचा जाते हैं, फिर बुगुडियार से जोहार वैली में गौरी गंगा के साथ साथ आगे को बढ़ा जाते हैं। तो इस गांव के यानी सेनराती क्षेत्र के कुछ सारे भेड़ पालक मरतोली तक भी जाते हैं, और मरतोली में उनका इलाका नहीं होता है तो वहां उनका रहने का ऐसा होता है कि जो मरतोली गांव के सरपंच होते हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, उसी के बाद रुकने को मिलते हैं इन बुग्यालों में। अगर आप लोग मेरी वीडियोस को पहले से देखते आए हैं तो आपने मेरे चैनल में नंदा कुंड की एक अधूरी सीरीज देखी होगी, और इस सीरीज में भी नंदा कुंड का जिक्र जरूर सुना होगा। अपने पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी ब्लॉक में हिमालय के पास लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई में एक ऐसा कुंड मौजूद है जहां पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हर 2 साल में एक बार आसपास के गांव से बहुत सारे लोग नंदाष्टमी से 3 दिन पहले उस कुंड तक जाते हैं और 3 दिन बाद ठीक नंदाष्टमी के दिन ब्रह्म कमल लेकर लौटते हैं। आज से 2 साल पहले मैं मई के महीने नंदा कुंड ट्रैक में गया था, पर उस समय पूरी ट्रेल बर्फ से ढकी हुई थी, जिस कारण अपनी वो यात्रा अधूरी ही रह गई। बहुत जल्द अपनी नंदा कुंड की उस अधूरी यात्रा को पूरा करने का प्लान है, और साथ में नंदा कुंड के बाद उस ट्रैक को आगे कंटिन्यू करते हुए लगभग 4800 मीटर में कागुदी पास को क्रॉस करके जोहार घाटी पहुंचने के। अभी जिस पहाड़ को आप इस फोटो में देख रहे हैं, इस पीक का नाम है कागुदी धार, जिसको लोकल के लोगों द्वारा कालागुदी धार भी बोला जाते हैं।
अगर मैप के थ्रू आपको दिखाऊं तो ये पहाड़ लगभग 5300 मीटर ऊंचाई का एक विशाल पर्वत शिखर है जो साल के लगभग 11 महीने बर्फ से ढका रहते हैं। 5300 मीटर ऊंचाई के इस विशाल पर्वत शिखर पे लगभग 4800 मीटर की ऊंचाई में एक ऐसा पास मौजूद है जिसको पार करके सीधा जोहार घाटी पहुंचा जाते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो सितंबर महीने के लास्ट तक अपना प्लान इस ट्रैक को पूरा करना है जो मेरी जिंदगी का पहला पास ट्रैक रहने वाला है। नामिक ग्लेशियर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ये देखिए नामिक ग्लेशियर जहां से निकलती है रामगंगा नदी जो आगे चल के रामेश्वर नाम की जगह में सरयू में मिल जाती है। अभी मैं एक ऐसी लोकेशन पे था जहां से एक ओर डंगेर बुग्याल को पूरा देखा जा सकता था, वहीं दूसरी ओर पंचाचूली का नजारा बेहद शानदार था। आज इस जर्नी का आखिरी दिन था और आज ही मुझे घर भी वापस लौटना था, तो कुछ देर इस स्थान पे सुकून से बैठने के बाद मैं वापस बुग्याल में लौट गया। रोज निकालना हुआ था गोबर। हाँ, रोज निकालना। तो जैसे ही सारे जानवरों को इस छाने से बाहर किया जाता है, उसके तुरंत बाद पूरे छाने की सफाई की जाती है। तो बुबू जी भी गोबर निकालने के काम में लगे हैं अभी। उसको बाहर फेंका जाता है ऐसे। तो अंदर से जितना भी साफ किया जाता है जानवरों का गोबर इत्यादि, इसको देखिए इस साइड पे गाय बैलों का है और उस साइड पे कहीं बकरियों का था, या फिर चाहे आप उन घरों पे देखिए, घर के सामने पे डंप लगा हुआ है, वो सारा जानवरों का गोबर ही है जो ऐसे घरों के बाहर पे इकट्ठा कर दिया जाता है। और कुछ टाइम बाद तो जानवरों के सोने की व्यवस्था भी अभी से कर ली जाती है। जैसे ही अंदर का सारा गोबर वगैरह साफ कर लिए उसके बाद अंदर ये बिछा दिया गया है, तो इस पे सोएंगे वो। इसको अपने पहाड़ी में सुतर बोला जाता है। ये किस घास का है बुबू? ये फीजी हुआ बुबू, फीजी। ये यही है, बुग्यालों में मिलती है। हाँ, बुग्यालों में मिलता है ना ये। अच्छा, खाते भी हैं ये बढ़िया। अच्छा, खाते भी हैं इसको। हाँ, फीजी। हाँ, हाँ, खाते भी। अगर आपको डंगेर धार के टॉप से नज़ारे देखने हैं तो मेरे चैनल पे डंगेर धार की एक वीडियो अवेलेबल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तब डंगेर टॉप से दूर दूर तक के नज़ारे देखे थे, पर तब अपने को डंगेर बुग्याल के बारे में पता भी नहीं था। और इस बार यहाँ आकर बुग्याल में एक दिन रहा पर बावजूद उसके टॉप तक नहीं गया। तो कुछ इस तरह मैं दो बार एक ही स्थान पर आया, पर दोनों बार का अनुभव बहुत अलग रहा। पिछली बार जब हम मार्च में यहाँ आए थे तब यही स्थान अपने लिए एक बंजर पहाड़ जैसा था जहाँ हम लोगों के अलावा और कोई नहीं था। इस बार अगस्त के महीने उसी स्थान पर गांव के कुछ चरवाहों का घर था जहाँ सुकून और शांति तो थी ही, साथ में इन चरवाहों की मौजूदगी ने इस पूरे पहाड़ को मानो फिर से जीवित कर दिया। अपनी इस यात्रा ने मुझे ये भी सिखाया कि जीवन में परिस्थितियाँ कभी एक समान नहीं रहती। पिछली बार मैं इसी स्थान पे अपने कुछ साथियों के साथ आया था और अब एक साल बाद फिर से वही स्थान था, पर इस बार कोई साथ ना होते हुए भी मानो सब कुछ साथ था। गुरबा छका है बैग इच्छा बुबू, कदू मेल तक? अच्छा, तो बुबू आ गए अपने जानवरों को ऊपर कहीं पहुंचा के उधर, वो फिर अल्ले खुद ले जलाने। अच्छा, फिर साथ में लेके आओगे उनको भी, बकरियों को भी? केतली में रखी है चाय और खाना लगभग बन चुका है।
ये सारे आप नहीं बने बुबू, ये देखो ये निंगालू के बने, आपने देखा होगा होम धुरा वाली वीडियो में भी दिखाए थे मैंने निंगालू के पेड़, और ये बहुत छन निंगाली थे, डंगेर धार में भी बहुत निंगालू है। तो निंगालू के पेड़ होते हैं जिनसे ऐसी लकड़ी निकलती है, मतलब ऐसी लकड़ी के पेड़ होते हैं, और इसको बनाने के लिए भी बहुत स्किल्स चाहिए। क्या क्या डाला है बुबू इस चाय में? लौंग है, काली मिर्च है। तो वहाँ बुबू का भी खाना बन रहा था और यहाँ भी खाना बनाने की तैयारी हो गई है, खाना बनना शुरू हो गया है। तो आज का मौसम थोड़ा सा ठीक हो रखा है, जो सामने आपको देखिए वो बुग्याल सा दिखाई दे रहा है, थाला बुग्याल है वो, इस साइड को अंदर को, और यहीं से नीचे यहाँ कहीं नामिक है, जो सामने वाली रिजे इसके पीछे थाला का ठीक तेल भी होने नामिक, और उसके आगे थाल ठोक दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर चुफू टॉप, रंथन टॉप, नंदा कुंड का पूरा ट्रेल, मतलब आगे का रास्ता, और बगल में ठीक वो नामिक ग्लेशियर है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, रामगंगा नदी यहीं से निकलती है हीरामणि ग्लेशियर से, और इस साइड को बागेश्वर पार, बागेश्वर के गांव दिखाई दे रहे हैं। तो खाना बन चुका है और खाना खाने लगे हैं। सुबह के 11 बजे हरीशदा और बूबू लोगों से अलविदा लेने के बाद इस बुग्याल को छोड़ मैं घर को लौट चला, और वापस लौटते हुए मुझे उसी जंगल से गुजरना था जहां से होते हुए मैं यहां तक पहुंचा था। मौसम ठीक रहा तो अपना अगला ट्रैक 4,800 मीटर ऊंचाई के कालागुदी पास का रहने वाला है, जो मेरी जिंदगी का पहला पास ट्रैक होगा, और इस ट्रैक में अपने साथ हरीशदा भी शामिल होने वाले हैं। तो इन पहाड़ों से कहीं ऊपर से उतर के नीचे आ चुका हूं, बहुत कुछ ऐसी खड़ी खड़ी चट्टाने दिखाई दे रही है, और यहां से जाने हैं इस बुग्याल के इस तरफ। तो बुग्याल में दादा और बुबू ने एक बात बताई कि अगर कभी ऐसे भालू से जो सामना होता है, एनकाउंटर हो जाता है किसी का भी, तो क्या होता है कि अगर मान लो भालू तुमसे कुछ मीटर दूरी पे है, जैसे 50 मीटर, 40-50 मीटर, 100 मीटर ऐसे दूर है, अगर तुम हल्ला करो तो वो खुद अपना रास्ता बदल के चले जाएगा, लेकिन अगर मुँह के आगे अचानक से आ गया तो फिर उस टाइम पे उसका अटैक करना 99% कन्फर्म होते हैं। तो बस यही एक डर है यार, जो अभी हल्की हल्की है, क्योंकि बीच में पूरा जंगल पड़ता है तगड़ा वाला, कहीं अचानक से मुँह के आगे भालू ना आ जाए, जैसे बाघ आया था उस दिन, अगर ऐसी कंडीशन में मुँह के आगे भालू आ गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएंगी। चुथरी बुग्याल के घर दिखाई देने शुरू हो गए हैं, जहाँ पे छाने बने हुए वो वाला एरिया यहाँ पे है, और कुछ छाने इस साइड भी बने हुए हैं यहाँ कहीं। मैं जहाँ पहले दिन रुका था उस जगह पे रुका था, अभी वहाँ जाना है मेरे को, और बीच में ये जंगल वाला एरिया देखिए, पूरा नीचे का जो है यहाँ से वो देखिए, घना जंगल दिखाई दे रहे हैं, इतनी बढ़िया हवा चल रही है, वाह यार क्या ही बताऊँ, ठंडी ठंडी हवा जिसके सामने एसी कूलर सब फेल है। देखो सामने जो पहाड़ है भूस्खलन हो रखा है पूरा, यहाँ भी और यहाँ भी, और ऊपर कहीं इस पहाड़ में यहाँ कहीं जानवर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक दो गाय या बैल को ही देखे मैंने, और कल जो बड़ा पत्थर रास्ते में आया था वहाँ पे पहुँच चुका हूँ मैं। तो ये है चुथरी बुग्याल, और इसके नीचे कहीं छप्पर बने हुए हैं, मैं आया पीछे से इधर से, ये देखो पूरा घना जंगल है, सोच रहा था कोई मिलेगा रास्ते में, कोई मिला भी नहीं, और मिल वहाँ रहे हैं जहाँ पे बुग्याल है, और जहाँ जंगल है वहाँ एकदम एकांत है भाई। ये देखो, देखिए नीचे कहीं बारापट्टा के कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, और वहाँ पे सेनराथी दिखाई दे रहा है बाएं हाथ साइड को इधर। तो इतना सा देख के भी ना थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जितना समय एक ट्रैक को पूरा करने में लगता है, उसके दो गुना समय उस ट्रैक की वीडियोस को एडिट करने में लग जाते हैं।
इस चैनल में वीडियोस अक्सर थोड़ा देर से आती हैं, क्योंकि वीडियोस एडिट करना, न्यू लोकेशन सिलेक्ट करना, ये सभी चीज़ें सबसे ज़्यादा समय लेती हैं। अपनी अगली सीरीज़ भले ही देर से आए, पर आप लोगों को क्वालिटी कंटेंट देने की पूरी कोशिश की जाएगी। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक रोमांचक यात्रा के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।